रादौर के गांव अमलोहा में बीती रात करंट लगने से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मृतक रूपांश घर पर अकेला था और चलते कूलर से पानी निकाल रहा था। इसी दौरान बच्चा कूलर की चपेट में आ गया और करंट लगने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जब बच्चे के परिजन मौके पर पहुंचे तो उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रादौर में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। वहीं अचानक हुई बच्चे की मौत से गांव में मातम का माहौल छा गया है। ये हमारे पास 7:15 बजे एक बच्चा आया है, 11 साल का है, रूपांश के नाम से। इसके माता पिता इसको लेके आए हैं और इसको ये बताया गया है कि इसको बिजली का झटका लगा है कूलर में पानी डालते हुए। तो जैसे ही हमारे पास आया उस टाइम से ही ये ब्रोड डेड था और अब हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी है और पुलिस आके और आगे कार्रवाई करेगी। और लोगों से भी यही अपील है कि छोटे बच्चों को बिजली का कोई भी काम हैंडल ना करने दिया जाए उनको खुद से, या फिर आपके पास ना भेजा जाए। किसी भी ऐसी चीज़ जिससे उनको हानि हो सकती है उन चीज़ों से उनको दूरी रखना चाहिए। तो यही अपील है कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये इंसिडेंट्स होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं।